भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का विवादों से यानी कि कंट्रोवर्सी से चोली दामन का साथ है, ये तो हमने आपको बहुत पहले ही बताया था। लेकिन ये कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट हुई और ये कंट्रोवर्सी इस बार खेसारी लाल यादव ने नहीं की है, बल्कि खेसारी लाल यादव के खिलाफ भोजपुरी की तीन एस्टेब्लिश एक्ट्रेस ने की है। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी। मौका था नए साल के मिलन समारोह का और इस मौके पर भाई भोजपुरी की तीन हीरोइने स्मृति सिन्हा, लवी रोहतगी और अनारा गुप्ता इतने मस्ती के मूड में थी कि खेसारी लाल यादव को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां कर दी और वो टिप्पणियां खेसारी लाल यादव के फैंस को इतनी नागवार गुजरी, ये तीनों एक्ट्रेस सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का शिकार हो गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। आपको जैसे कि हमने पहले ही बताया था, मौका था नए साल के मिलन समारोह का, मनोज तिवारी ने ऑर्गेनाइज किया था और इसी कार्यक्रम में जब ये तीनों एक्ट्रेसेस मीडिया से मुखातिब हुई और खेसारी लाल यादव के बारे में मीडिया वालों ने जब इन तीनों से कुछ क्वेश्चन कर दिए तो भाई बात निकली और बात दूर तक चली गई। बात ये थी कि रिपोर्टर द्वारा पूछे गए किसी क्वेश्चन पर स्मृति सिन्हा ने ये कह दिया कि खेसारी लाल यादव जब इंडस्ट्री में नए आए थे तो उन्हें कंडीशनर का भी मतलब नहीं पता था। अब आप ये सभी जानते होंगे कि कंडीशनर क्या होता है, लेकिन उस वक्त खेसारी लाल यादव के लिए ये सारी चीजें नई थी क्योंकि खेसारी लाल यादव गांव के देहाती इंसान थे, उन्होंने कभी कंडीशनर का नाम भी नहीं सुना था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था जब स्मृति सिन्हा ने इन सारी चीजों पर हंसते हुए खेसारी लाल यादव का मजाक बनाया। खेसारी लाल यादव के फैंस का पारा गरम करने के लिए काफी थी। उस पर दाल में तड़के का काम लवी रोहतगी और अनारा गुप्ता के बयानों ने कर दिया। अनारा गुप्ता ने तो खेसारी लाल यादव की भाषा पे ही सवाल उठा दिया। अनारा गुप्ता के मुताबिक खेसारी लाल यादव आई लव यू भी ठीक से नहीं बोलते, वो तो आई लव यू को आई लव यू बोलते हैं। और तो कोर्ट कसर नहीं छोड़ी, जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ वैसे ही इन तीनों एक्ट्रेसेस की क्लास खेसारी लाल यादव के फैंस ने लगा दी। लेकिन हम आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि ये वही स्मृति सिन्हा है जिन्हें खेसारी लाल यादव की फिल्मों से ही पहचान मिली। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव की फिल्मों से ही स्मृति सिन्हा हिट हुई है और अनारा गुप्ता के न जाने कितने स्टेज शो में तो खेसारी लाल यादव ने चार चांद लगाए हैं, या यूं कह लें कि खेसारी लाल यादव के न जाने कितने स्टेज शो में बतौर एक्ट्रेस अनारा गुप्ता ने डांस भी किया है। भाई इन तीनों एक्ट्रेसेस से हम ये जरूर कहना चाहेंगे, खेसारी लाल यादव तो अपने देहातीपन और अपने माटी के प्रति समर्पित कलाकार माने जाते हैं। अब भाई अगर उनके फैंस को जिन्होंने उन्हें अपने आंखों का तारा, दुलारा, सितारा, न जाने क्या क्या बनाया हुआ है, इस पर उन्हें कोई एतराज नहीं है तो आप लोगों को एतराज करके भी क्या हासिल होने वाला है। वैसे भी खेसारी का यही अंदाज उन्हें हिट, सुपरहिट, डुपर हिट और यहाँ तक कि भोजपुरी का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार बनाकर रखा हुआ है। हाँ, हम आपको एक बात जरूर कहना चाहेंगे, खासकर वो लोगों को जिन्हें खेसारी लाल यादव के एसेंस से प्रॉब्लम है, उनकी भाषा से प्रॉब्लम है, उनके गानों से प्रॉब्लम है। हाँ, हम आपको ये बता दें कि खेसारी लाल यादव भोजपुरिया कलाकार है, न कि बॉलीवुड के या साउथ के बड़े स्टार है कि बोली और भाषा वहाँ के स्टार जैसी होगी। अगर खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार है, बोली और भाषा भी उसी तरह की होनी चाहिए, लहजा भी उसी तरह का होना चाहिए और इस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारे स्टार्स अपनी बोली और भाषा से जाने जाते हैं। भोजपुरी जगत की ऐसे ही चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।